आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये सेंटेंसेस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी को बताएं कि इसका मकसद यही है या इसका मतलब ही यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि उस्ताद का मतलब ही आपको तालीम देना है, इल्म देना है, सिखाना है, यानी कि किसी भी शख्स को, किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को अपने माइंड में एक इमेज हो कि ये इस मकसद के लिए है, ये इस मतलब के लिए, इससे हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, तब आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। यानी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने के लिए, किसी की ज़िम्मेदारी की बात करने के लिए। और इन सेंटेंसेस में हम मेंट टू ये इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इज एम आर यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आएगा मेंट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, उस्ताद का मतलब ही आपको तालीम देना है, इल्म देना है। अब उस्ताद है तो आ जाएगा द टीचर, टीचर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा द टीचर इज़, फिर आएगा मेंट टू, द टीचर इज़ मेंट टू तालीम देना, नॉलेज देना, इल्म देना, गिव यू नॉलेज। ठीक है, द टीचर इज़ मेंट टू गिव यू नॉलेज, उस्ताद का मतलब ही आपको इल्म देना है। एक और सेंटेंस देखें, इबादत का मतलब हमें अच्छा इंसान बनाना है। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रेयर्स आर, फिर आ जाएगा मेंट टू, प्रेयर्स आर मेंट टू मेक अस गुड पीपल, मेक अस गुड ह्यूमन बींग, प्रेयर्स आर मेंट टू मेक अस गुड ह्यूमन बींग या गुड पीपल। एक और सेंटेंस देखें, गवर्नमेंट का मतलब ही आवाम को सहूलत देना है, यानी गवर्नमेंट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो आवाम को सहूलत दे, तो हम कहेंगे द गवर्नमेंट इज़ मेंट टू फैसिलिटेट पीपल। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ मेंट टू फैसिलिटेट द पीपल, द गवर्नमेंट फिर आ जाएगा इज़, फिर आएगा मेंट टू फैसिलिटेट द पीपल। एक और सेंटेंस देखें, त्यौहार का, ओकेजन्स का, फेस्टिवल का मतलब है रिश्तेदारों से मिलना जुलना, उनसे राबता रखना, उनसे मिलना, तो हम कहेंगे फेस्टिवल्स आर मेंट टू गेट टुगेदर विद रिलेटिव्स विद फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स आ जाएगा, फिर आएगा आर मेंट टू गेट टुगेदर, मिलना जुलना विद रिलेटिव्स। फेस्टिवल्स का मतलब ये है कि हम आपस में मिले जुलें, यानी हम किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को, किसी भी ओकेजन को लेकर हमारे माइंड में एक चीज़ हो, एक एक्सपेक्टेशन हो कि इससे ये चीज़ होना है, इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये, तब आप मेंट टू यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस देखें, घर का मतलब ही आराम और सुकून देना है, यानी घर से हमें ये उम्मीद है कि हम घर आएँ तो हमें आराम और सुकून मिले, तो हम कहेंगे होम इज़ मेंट टू गिव पीस एंड कम्फर्ट, होम आ गया, फिर आ गया इज़, फिर आ गया मेंट टू, होम इज़ मेंट टू, फिर आ गया गिव पीस एंड कम्फर्ट, होम इज़ मेंट टू गिव पीस एंड कम्फर्ट। एक लास्ट सेंटेंस देखें, दोस्त का मतलब ही मुश्किल वक्त में साथ खड़े होना है, साथ देना है, सपोर्ट करना है, तो हम कहेंगे अ फ्रेंड, फिर आ जाएगा इज़, अ फ्रेंड इज़ मेंट टू सपोर्ट यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, अ फ्रेंड इज़ मेंट टू सपोर्ट, दोस्त का मतलब ही सपोर्ट करना है यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, आपको मुश्किल वक्त में, तो हम कहेंगे अ फ्रेंड इज़ मेंट टू सपोर्ट यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि दोस्त का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि वो मुश्किल वक्त में साथ दे, सपोर्ट करें। अब आप मेंट टू यूज़ कीजिए और बताइए कि किसी भी प्रोफेशन, किसी भी पर्सन, यानी डॉक्टर का क्या मतलब लगता है आपको, कि डॉक्टर का क्या मतलब है पेशेंट को ठीक करना, लॉयर का क्या मतलब है, बैंक्स का क्या मतलब है, इनके क्या पर्पस हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इन्हें यूज़ करके बताइए। मेंट टू को यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए किसी भी एक्सपेक्टेशंस की बात करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए, कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।